ऐसी हूँ मैं, वैसी हूँ मैं, बस खुदी के जैसी हूँ। है रूप अलग, पहचान अलग, मेरे जीने का अंदाज अलग। है रूप अलग, पहचान अलग, मेरे जीने का अंदाज अलग। मैं क्यों तेरी छाया बनूं जब है मेरा विस्तृत वितान। मैं क्यों ओढ़ूं आकाश तेरा जब है मेरा एक आसमान, जब है मेरा एक आसमान। मैं क्यों मानूं क्या है गलत और क्या सही, तू ही बता। जब मेरी है एक सोच अलग तो इसमें क्या मेरी खता। मैं क्यों मानूं क्या है सही और क्या गलत, तू ही बता। अगर मेरी है एक सोच अलग तो इसमें क्या मेरी खता। मैं क्यों बांटूं छोटा सा घर जब है मेरा अपना मकान। मैं क्यों ओढ़ूं आकाश तेरा जब है मेरा एक आसमान, जब है मेरा एक आसमान। तू जहां कहे उस और मुड़ूं, है पंख मेरे मैं क्यों न उड़ूं। तू जहां कहे उस और मुड़ूं, है पंख मेरे मैं क्यों न उड़ूं। सागर अलग, कश्ती अलग, हस्ती अलग, बस्ती अलग। मैं क्यों खो जाऊं भीड़ में, मैं क्यों न भरूं ऊंची उड़ान। मैं क्यों ओढ़ूं आकाश तेरा अगर है मेरा इस आसमान। परिधि मेरी मत सीमित कर मुझमें मिल मुझे असीमित कर। परिधि मेरी मत सीमित कर मुझमें मिल मुझे असीमित कर। हो एक मंजिल हो एक डगर, तू बन जा मेरा हम सफर। हो एक मंजिल हो एक डगर, तू बन जा मेरा हम सफर। मैं क्यों तेरे पीछे चलूं जब हूँ मैं तेरे ही समान। मैं क्यों ओढ़ूं आकाश तेरा जब है मेरा एक आसमान, जब है मेरा एक आसमान। और अंतिम कुछ पंक्तियां पेश करने जा रही हूँ। तू भी आचल मेरे संग संग, रंग जा तू भी मेरे रंग रंग। तू भी आचल मेरे संग संग, रंग जा तू भी मेरे रंग रंग। हम साथ बने हम उड़े साथ, दे दे मेरे हाथों में हाथ। हम साथ बने हम उड़े साथ, दे दे मेरे हाथों में हाथ। मेरी दुनिया को मत बदल, बस बन जा तू मेरा जहान। मैं ओढ़ूंगी आकाश तेरा अगर ओढ़े तू मेरा आसमान, अगर ओढ़े तू मेरा आसमान। आप सभी को नमन करती हूँ। मेरे प्रकाशा जी एक लघु कथा संग्रह से मैं छोटी सी लघु कथा आपके सामने रख रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबकी शुभकामनाओं से यह है लघु कथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। कहानी का शीर्षक है रिवाज। मैं ऑफिस को लेट हो गई थी, आते उसके आते ही मैं झलता पड़ी। जब तुझे मालूम है कि मैं 10 बजे घर से निकल जाती हूँ, फिर तुम लेट क्यों हो गई। मुझे खाने का वक्त नहीं है, बस जल्दी से 2 पराठे टिफिन में डाल दे, मैं तैयार होते हुए बोली। और बता दे आगे से ऐसा करना है तो मैं दूसरी रख लूंगी। उसने डोर लॉक करते हुए मुझे चाबी दी। उसकी आंखों में आंसू देख मैं रुकी। अभी ऐसा क्या कह दिया है मैंने, वह सिसक पड़ी। मेरी नजर उन्हीं पर लगे खुली घाव पर पड़ी। अरे ये क्या हो गया है मैम, आज मैं मरते मरते बची। घर में ससुराल वाले आए थे तो साड़ी का छूटा निकली थी, रास्ते में साइकिल की चक्की में साड़ी फंस गई, मैं बीच रोड पर गिर गई। सामने से आने वाले ट्रक को लोगों ने रोका, मैं सड़क पर थी और ट्रक मेरे सामने। देखिए मेरे दोनों पैर भी छिल गए, दोनों हाथों की कुहनी में लगी चोट के निशान और पैर में लगे निशान उसने दिखाए। मैं आपकी चिंता में जल्दी जल्दी भागी, फिर भी लेट हो गई। वह रो पड़ी। मैं कभी उसका चेहरा देखती, कभी घड़ी की सुई, लेकिन रास्ते भर लहू लुहान करती रही मुझे उन बेतुके रिवाजों की सुई, जिसकी धार महिलाओं की ओर ही होती है, चाहे वे कामकाजी हो या हाउसवाइफ। धन्यवाद। आदरणीय मंच, सम्मानित सदन, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अपराधी कौन। कविता ने चाय का प्याला मेज पर रखकर पेपर उठाया और सामने की हेडलाइन पर उसकी नजर चिपक गई और वह सारी न्यूज एक ही सांस में पड़ गई। उसका सीना धोखने की लोहार की धोखने की तरह धक धक करने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और वह मन से कोई आवाज भी न निकाल सकी।
सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना आ गया। वह लड़खड़ाते कदमों से बेटे के कमरे में पहुंची और पेपर सामने फेंक कर उसके गालों पर तड़ातड़ तड़ातड़ थप्पड़ लगाने लगी। रोहित कुछ न समझ सका और बोला, मम्मी क्या हुआ? तभी रोहित की नजर सामने पड़े पेपर पर पड़ी और वह समझ गया कि जिस बात को वह अभी तक छुपा रहा था वह बात आज सबके सामने आ गई। वह रोहित का कॉलर पकड़कर झिझोड़ते हुए बोली, कमीने, तुझे मेरी ही कोख मिली थी लगाने को। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा मानव तस्करी करने वाला गरीब बेबस इंसान और अहोध बच्चों को काटकर उनके अंगों को बेचने वाला निकलेगा। वह लड़खड़ाई और लहराकर जमीन पर फिसल कर बैठ गई। रितेश पत्थर का बुत बना खड़ा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कविता जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, अरे तू तो दरिंदा नर पिशाच बन गया रे, कुल का कलंक बन गया रे। अरे तुझे डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, तुझे पढ़ाने के चक्कर में कंगाल हो गए रे, हम तो बर्बाद हो गए रे। तभी रोहित चीख कर बोला, बस मम्मी बस, मुझे ऐसा बनाने वाले आप लोग ही तो हैं। मैं तो सरकारी डॉक्टर बनकर गाँव में प्रैक्टिस करना चाहता था, परंतु पापा ने ही कहा था कि उसमें पैसा कम मिलता है, ऊपरी आमदनी के चांस नहीं है। मैं अपना मन मारकर नौकरी करने लगा, परंतु आपका रात दिन का रोना, रोज रोज के ताने, हम पढ़ाने में कंगाल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी तो यह कुछ नहीं मिलता था, जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ, इससे अच्छा तो क्लर्क बन जाता तो रोज की भाजी और रोटी का तो काम चलता, परंतु तू तो वो भी नहीं कर सका। और मैं इसी इल्जाम से तंग आकर मैंने अपना जमीन बेच दिया। मैंने डॉक्टर फरीद की बात मान ली और मानव तस्करी करते हुए उनके अनैतिक कार्यों में साझीदार बन गया और रोज पैसे लाकर आपकी झोली पैसों से भरने लगा, दरवाजे पर खड़े पापा उसकी बात सुनकर सोच रहे थे कि अपराधी कौन। मंच पर आती हैं और यहाँ मेरी बैठी बहन है, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरी कविता है, क्योंकि आज यहाँ पर सभी महिलाएं हैं इसलिए मैं अपनी कविता नारी पर ही प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का नाम है नारी की पुकार। भारत देश में जहाँ पुजती है नारी, सरेआम रुकती है नारी। भारत देश में जहाँ पुजती है नारी, सरेआम रुकती है नारी। पुरुष जो उसका रक्षक है वही बन गया आज उसका भक्षक है। पुरुष जो उसका है रक्षक वही बन गया उसका है भक्षक। चाकू की नोक पर पैसों के बल पर करता दिन दहाड़े हत्या और बलात्कार। चाकू की नोक पर पैसों के बल पर करता दिन दहाड़े हत्या और बलात्कार। वह चिल्लाती है छटपटाती है मनुष्यों की भीड़ उसकी मदद को नहीं आती है। वह चिल्लाती है छटपटाती है पर मनुष्यों की भीड़ उसकी मदद को नहीं आती है। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं कायर बन आंखों पर पट्टी बांधते हैं। वह बेचारी कराह कर दम तोड़ देती है। तब सहानुभूति की खुशखुशाहट होती है। यहाँ तो आए दिन यही होता है। फिर हमारे दुख में कौन रोता है। जानबूझकर कौन कफन उड़ेगा। अपने परिवार हेतु क्यों कोई दुख भोगेगा। महापुरुषों के इस देश में पर संवेदना शून्य इस देश में नारी का भविष्य है खतरे में। इस देश का भविष्य क्या होगा जहां जननी और भगिनी दोनों ही असुरक्षित हैं। धन्यवाद। ऐश्वर्या जी आए और अपनी रचना का पाठ करें।
दरअसल आज का विषय तो चल रहा है कि नारी में सक्षम होना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी ये कविता है। अब मेरी कविता का नाम है दीपशिखा। अबला न समझ तू खुद को, अबला न समझ तू खुद को, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। कभी ना हार तो मान, रखना है तुझे तुझे अपना स्वाभिमान। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है तेरी ही कोख से जन्मे कितने वीर सपूत जवान। अविभाज्य घटक तू जीवन का, अविभाज्य घटक तू समाज का, चाहे सेवा भाव हो या शिक्षा का ज्ञान, रणनीति हो या राजनीति, तुझे मिला हर क्षेत्र में सम्मान। प्रगति के पथ पर चलते राह नई पीढ़ी को दिखाना है, बहुत दूर तक निरंतर चलते जाना है, लोभ लालच के भ्रष्ट भवर को समाज से मिटाना है, चाहे वो पद कितना भी दुर्गम, नई पीढ़ी की दीप शिखा बनकर अंधकार मिटाना है, अंधकार मिटाना है। धन्यवाद। वहां में Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.